नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 में सरकार द्वारा काफी रियायतें दी गई हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की सीमाएं सील करने का आदेश जारी किया गया है। यह सीमाएं रविवार तक सील रहेंगी। इस दौरान अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं या दिल्ली आना चाहते हैं तो आपको पास लेना होगा। दिल्ली सरकार में जिन जिन कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया गया है, वहां काम करने वाले लोगों को ई पास जारी होगा। दिल्ली में प्रवेश के लिए दिल्ली सरकार से या किसी भी दूसरे राज्य के जिला प्रशासन से जारी ई पास भी मान्य माना जाएगा। दिल्ली की सीमा सील होने के बाद दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवा वाले लोगों को प्रवेश मिलेगा, हालांकि उसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से ई पास लेना होगा। बगैर ई पास के जरूरी सेवा से जुड़े क्षेत्र के लोगों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में जिन्हें लॉकडाउन से छूट मिली है, उन्हें भी आवाजाही के लिए पास जारी होने के बाद ही दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं व्यावसायिक वाहनों के आवाजाही पर भी किसी तरह की रोक नहीं होगी। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य के पास भी मान्य माने जाएंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में प्रवेश के लिए वह जहाँ से आ रहा है वहाँ के जिला प्रशासन से भी यात्रा का पास ले सकता है। इसके अलावा वह दिल्ली सरकार की ओर से जारी ई पास भी ले सकता है। दोनों ही जगहों के पास से मान्य माने जाएंगे, उसके आधार पर दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। यानी अगर हरियाणा का निवासी दिल्ली आना चाहता है तो वो वहाँ के जिला प्रशासन से भी पास बनवा सकता है, वो पास भी उसका मान्य ही माना जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को परिचय पत्र दिखाना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से मिले परिचय पत्र दिखाने के बाद प्रवेश दिया जाएगा, मगर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों अगर जरूरी सेवा से जुड़ा है वो तो उसे ई पास बनवाना होगा। अगर गैर जरूरी क्षेत्र से जुड़ा है निजी कर्मचारी होगा तो उसे ई पास भी जारी नहीं होगा।